वीरेन, क्या बात है बेटा, कोई काम था? नहीं ताई जी, बस ऐसे। टीवी, तू जाना वीरेन के साथ, मैं संभाल लूंगी दुता को। उसे कुछ चाहिए हो तो। वीरेन, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, वैसे मैंने तुम्हारी हर चीज जगह पर रख दी है, तुम्हें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, तुम्हारी शर्ट प्रेस करके रख दी है, वही पहन लेना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। निवी, तुझे जाना चाहिए था वीरेन के साथ। उसके ऑफिस का वक्त हो रहा है, उसे कुछ चाहिए होगा या शायद उससे कुछ बात करनी होगी। द्विता के साथ तो पूरा दिन है तेरे पास, तू जा बेटा। चाची जी, हमें डॉक्टर के यहाँ से हो आना चाहिए, क्योंकि हमें आ रही द्विता की वैक्सीनेशन भी तो शुरू करवानी है, है ना? कोई नहीं कहेगा कि तू इसकी मौसी है, माँ बन चुकी है पूरी तरह से इसकी। लेकिन निवी, एक बात कहना चाहूंगी बेटा। हाँ दादी। इसके अलावा भी और जिम्मेदारियां हैं तेरी इस घर में, सबका ध्यान रखना है तुझे बेटा। वीरेन, वीरेन का ध्यान रखना है, भाई साहब है, भाभी है। मैं जानती हूँ दादी, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है मुझसे, सब मेरा बहुत साथ देते, तभी तो मैं कर पा रही हूँ ये सब। और वीरेन भी मेरा बहुत साथ देता है, जानता जो है कि अभी इस मासूम को मेरे प्यार और साथ की ज्यादा जरूरत है। लेकिन बेटा, एक बात कहना चाहूंगी तुझसे, अपनी ममता में कहीं ये मत भूल जाना कि तेरे अलावा औरों का भी हक है इस पर, वो भी चाहते हैं इसे, उसे खिलाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। कहीं ये ना हो जाए कि तेरी ममता इस बच्चे के और उनके बीच आ जाए। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ निवी? हाँ दादी, मैं सब समझ रही हूँ, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो इतनी सी बात नहीं समझ पाऊंगी। हो गया। अच्छा, 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 अच्छा। मम्मा का फोटो लगाया गले में, किसने डाला ये? देखिए ना। ये काम निवेदिता के अलावा और कौन कर सकता है भला? कितने प्यार और जतन से इसका ख्याल रखती है, जैसे ये खुद उसी की बेटी हो। आज सोचती हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि मैंने निवी को समझने में कितनी देर लगा दी। हाँ माँ, वो बहुत अच्छी है, खुद नहीं जानती उसमें कितने गुण हैं। ये उपकार है उसका बाबूजी मुझ पर कि उसने सिद्धार्थ की बेटी को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह अपना लिया है। पर मुझे इस बात का दुख भी है कि वो द्विता की वजह से किसी दूसरी चीज को वक्त ही नहीं दे पा रही। कितने मन से उसने ऑफिस जाना शुरू किया था, काम भी अच्छा करने लग गई थी वो, लेकिन इतनी जल्दी इतना कुछ हो गया। मैं चाहती हूँ वो फिर से ऑफिस जाना शुरू करे बाबूजी। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो आप बात करिए ना उससे बाबूजी, ऐसा ना हो कि कल को उसे ये एहसास हो कि द्विता की जिम्मेदारी निभाते निभाते वो अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाए। ठीक कह रही हो तुम। देखिए, बात सिर्फ निवी की ही नहीं द्विता की भी है। अगर आज निवी दिव्या के मौत के सदमे से बाहर उबर पाई है तो सिर्फ द्विता की वजह से। गुड इवनिंग वीरेन, कैसा रहा तेरा आज का दिन? बहुत थका हुआ लग रहा है। हाँ माँ। वो तो होगा ही ना, ये सब कुछ तुझे अकेले जो करना पड़ रहा है, ना तो सिद्धार्थ तेरे साथ है और ना ही निवेदिता, तो ये सब कुछ अकेले संभालना इतना आसान थोड़े ना होता है। अच्छा, क्या लेकर आऊँ तेरे लिए, चाय, कॉफी, जूस या फिर कुछ और? नहीं माँ, माँ निवेदिता कहाँ है? वो तो इस वक्त सो रही है। इस वक्त? वो भी क्या करे वीरेन,
एक तरफ उसे द्वेता को संभालना होता है और दूसरी तरफ सिद्धार्थ को हिम्मत बंधानी होती है। इस वक्त उन दोनों को ही निवेदिता की बहुत जरूरत है ना, इसलिए बेचारी का सारा दिन इसमें ही निकल जाता है। अभी भी वो सोने नहीं वाली थी, वो तो द्वेता को सुलाते सुलाते उसकी आंख लग गई। आजकल तो उसकी पूरी दुनिया जैसे सिद्धार्थ और द्वेता में ही सिमट कर रह गई। ना तो उसे खुद का ख्याल रहता है और ना ही किसी और का। हाँ माँ, लेकिन इसमें उसकी भी गलती। अगर दिव्या भाभी आज हमारे बीच होती तो ये सारा काम वो कर रही होती। अब वो नहीं है तो किसी ना किसी को तो करना होगा। बहुत देर तक काम करने वाले हो और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। मैं ध्यान रखूं। वैसे भी लता यहां नहीं आने वाली है आज। देखो, वो जो क्लाइंट है जिनके साथ हमने रिसॉर्ट वाला प्रोजेक्ट शुरू किया, उनका एक और प्रोजेक्ट आ रहा है और कल मेरी उनके साथ मीटिंग। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बार कहां बनाने जा रहे रिसॉर्ट? पता है, जो हमारा पहले वाला प्रोजेक्ट था ना, उससे ये प्रोजेक्ट 5 गुना ज्यादा बढ़ा। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इसकी दौड़ में शामिल है। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निवेदिता। तुम इस बार भी मेरे साथ हो ना? हाँ वीरेन, बस उतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। द्वेता को भी देखना पड़ता है ना, उसके साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आज यहाँ नहीं है तो कितना सूना सूना लग रहा है। हाँ वीरेन, द्वेता को वैक्सीनेशन दिलवाने डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया अब तक। मैं कल उन्हें खुद फोन कर लूंगी, है ना? ओ, तो आप भी यहाँ पे हैं। गुड मॉर्निंग, आइए। हेलो, ले 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 ले। अरे क्या चाहिए आपको? हाँ, व्हाट हैपेंड? चाची छोड़ के चली गई हैं? अच्छा, आप हमें बताइए। वैसे आपकी चाची से बहुत अच्छी पहचान है हमारी। क्या चाहिए आपको? चाची से नहीं मिलना? हाँ? आइए। क्या किया आपने? चाचू को मीटिंग में जाना था, सारी शर्ट खराब कर दी। कहाँ थे तुम? ये रो रही है। क्या हो गया? इतनी दूर दूर से क्यों रो रही है ये? वीरेन, तुमने जरूर कुछ किया होगा, पर तुम इसे संभालने के बजाय अपने कपड़े संभाल रहे हो। शायद इसकी तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पता नहीं, मैं चाची जी से पूछती हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग, मुझे तैयार होना वरना देर हो जाएगी। निवेदिता को ये बात पता है? कौन सी बात? यही कि आज तेरी बहुत जरूरी मीटिंग है और फिर भी वो यहां नहीं है तेरी मदद के लिए। तू मुझसे मुंह फेर सकता है वीरेन, लेकिन तेरे मुंह फेरने से तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देख वीरेन, तुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन निवेदिता तेरा नाम तक भूल जाए और सिर्फ दो नाम याद रह जाए उसे। एक सिद्धार्थ का नाम, एक सिद्धार्थ का नाम, और दूसरा नाम सिद्धार्थ की बेटी का। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।